जाता रुक तू। खेतों में तलवार लेके मेरे पीछे सांड पड़े हैं। जल्दी आ जा। कहाँ जाएगा? शिवा, शिवा के दोस्त को हाथ लगाना तो दूर, उसकी परछाई को भी कोई छूता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं। तेरे दोस्त के पीछे तू अकेला है, मेरे पीछे देख कितने लोग हथियार लेके खड़े हैं। पीछे वालों के लिए नीचे उतर रहा हूँ। डूड, हम नॉर्मल फाइटिंग से पक गए, उसमें कुछ ट्विस्ट डालते हैं। फाइट में ट्विस्ट? सेल्फी लड़ाई करे, मार्केट में आग लग जाएगी। सही है, लगा दे आग। और जबरदस्त फटके के बाद मैं तुम्हारी सेल्फी लूंगा। अगर सेल्फी नहीं ले पाया या फोन गिर गया तो इसे ले जाना तुम लोग। कैसा लगा शिवा प्राइम ऑफर? ऑफर कम, टेंशन ज्यादा है। ए, चलो इसकी लाश के साथ सेल्फी खींचे। मारो इसको। ना फोन तो उठा ले। किसका? दोस्त का है। दोस्त का? अच्छा अच्छा, बात कर ले। कान से चार्ज कर रहा है क्या? नहीं, चार्जर है तो लगे रहे, लगे रहे। ओके। क्या कहा? घर का सारा खाना जल गया, अब मैं खाना कहाँ से खाऊंगा? खाना खुजाना खेल रहा है क्या? नहीं, पकाना है। ठीक है, पका। अबे सुना नहीं, बॉस ने क्या कहा है? दोबारा खाना जलाना नहीं। हो गई बात, अब मारू लात। दोस्त ने कहा है कि गैस खत्म हो गया, खाना नहीं बनेगा। दोस्त के नाम से झूठ बोलता है। दोस्ती को बदनाम करने वालों को तो शौक से ठोकता हूँ। देख देख, प्रकाश सिंह आ गया। क्या रे, दूसरे गांव से आके हमारे लोगों को क्यों मार रहा है? मेरे दोस्त को कोई धोबियों की तरह धोने आएगा तो उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं अबे, ये गधा तेरा दोस्त है क्या? हेलो, गधा हो, बंदर हो या कुछ भी हो, दोस्ती नस्ल देखकर नहीं की जाती, निभाई जाती है। पति पड़ोसन के लिए बीवी को धोखा दे सकता है, बीवी पड़ोसी के लिए पति को धोखा दे सकती है, पर दोस्त वफादार होता है। कभी कभी चिंदी होता है पर चलता है। हमारी गांव की लड़की को छेड़ा इसने। लड़की शादी लायक दिखती है, लड़का भी कुछ बुरा नहीं है तो करने दो ना। तुम जैसे को कैसे ठीक करते हैं अभी बताता हूं। लुंगी के साथ बीपीआई मत करो। जब भगवान ने प्यार का दिया जला दिया है तो उसमें फूंक मत मारो, मतलब बात को बढ़ाओ मत। इस रिश्ते से किसको प्रॉब्लम है? मामा को है, चाचा को है या ताया को? इसको। ओ भैया को। नहीं, मैं इसका पति हूँ। अब बताओ तुम, तुम्हारा दोस्त सही है या गलत? मैं कैसे गलत? सिंदूर गायब है, मंगलसूत्र गायब है, कौन बोलेगा कि ये शादीशुदा है? कौन बोलेगा? कौन बोल? अबे, गलती इनकी भी है और हमारी भी है, पर हमारी सिर्फ एक ही गलती है। आप ही बताइए, अगर इसने परंपरा और रीति रिवाज का पालन किया होता तो ये प्रॉब्लम होती? इसीलिए इस गलती से हम सभी को सबक लेना चाहिए। तू अपनी गलती समझ गया ना? चलो घर चलते हैं। रुक जाओ, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ, अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो लड़की की बदनामी होगी। चलो चलो जाओ। अब तुम सुनो, हमें हर चीज सोच समझ कर करनी चाहिए। अपनी स्पीड कम कर दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। देखिए अंकल, आपकी उम्र में स्पीड ज्यादा होना गलत है, मेरी उम्र में कम होना गलत है। वाह वाह, क्या पंच मारा। नमस्ते।
अब बताओ उस दिन क्या हुआ था। घर के लिए जमीन ढूंढते वक्त एक चट्टान दिखी, उसे तोड़ने के लिए एक बॉम्ब लगाया, चट्टान का एक टुकड़ा इसकी गाय पर गिरा और गाय मर गई। नहीं मुखिया जी, ये जानता है कि मेरी गाय वहीं बंधी रहती है, फिर भी इसने ये जानबूझकर किया। मैं कसम खाकर कहता हूँ ये गलती से हुआ। देखो तुम इसे गलती कह रहे हो लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। सच ये है कि इसे तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है। अगर तुमने इसके साथ न्याय नहीं किया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, मैंने जो गलती की है उसकी भरपाई करूंगा। तो ये हुई ना बात, जाओ। जैसा आप कहें। इंस्पेक्टर साहब, घर छोड़ने के लिए थैंक यू। मैं सिर्फ मोहन जी की वजह से छोड़ रहा हूँ, अगली बार ऐसा किया ना तो शमशान छोड़ दोगे। रोटी दो। बस बस ले लो ना। तू बहुत किस्मत वाला है भांजे, आराम से पेट भरने को मिल रहा है तुझे। सुनिए आप भी खाना खा लीजिए। नल्ली है कि नहीं? खाना वाना छोड़ो, मुझे जगह बताओ छुपने के लिए। खाली दिखा तो गाली पड़ेगी। सब लोग खाता कुछ करते रहो। अरे ये टीवी क्यों नहीं चल रहा, कोई देखो तो जरा। नहीं चाहिए माँ। अरे 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 रिमोट तोड़ोगे क्या? मैं ठीक करूँगा। पानी। हेलो माइक टेस्टिंग। बाहर खानदान का नाम खराब करने के बाद यहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हो? वो मैं अरे मोहन, ये अभी छोटे हैं, छोड़ दो। आपके छोटे अब बड़े हो गए, आप इन्हें शह देकर सर पे चढ़ा रही हैं। अब ऐसा क्या कर दिया इसने? सासू अच्छा गौरव करती है। मुझे तो ये बताते हुए भी शर्म आती है। इसने ऐसा क्या किया है पिताजी? ये दोनों मेरी बात तो नहीं कर रहे? दीदी प्रॉब्लम रिमोट में नहीं, टीवी टीवी में। गांव वाले उसके दोस्त को मार रहे। माँ, पिताजी शिवा को नहीं इनको डांट रहे हैं। इसने उसको बचाया, गलत किया क्या? माँ जी ये खुसर फुसर बहुत हो गई। मेरे बेटे और जमाई दोनों ने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। दोस्त मुश्किल में था इसलिए। जब देखो फ्रेंड्स की बात करता रहता है, कभी अपने बाप के बारे में भी सोचा है तूने? एक दिन यही फ्रेंड्स तुझे मुसीबत में डाल देंगे। तू बिल्कुल अपने दादा पे गया है, वो भी अपने दोस्तों के लिए जान न्यौछार कर देते थे। बल्कि पत्नी बनने से पहले मैं भी तो उनकी दोस्त थी। नाना ससुर को बस यही मिली थी क्या, इतनी बुरी चॉइस? सनी तू जाके अपना होमवर्क कर। रुको ना माँ, पहले पापा को डांट खाते हुए देख तो लूं। मर गया। 10 साल ससुराल में रहने के बाद भी आपको अकल नहीं आई और ये ग्रेजुएट होने के बाद भी निकम्मों की तरह घूमता रहता है, कब सुधरेंगे? चलो। और चर्बी चढ़ी तुझे। ये क्या शकीला? ये डूबा यहाँ भी शकीला? छोड़ो बच्चा है जीजू। ये बच्चा नहीं मेरा बाप है, ऐसे जाने नहीं दूंगा। पापा पीछे भी हीरोइन है। पढ़ने जाता है ऑडिशन देने, चल निकल। ड्रामेबाज तुम दोनों मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हो, वो फोटो से और तुम बच्चे का वास्ता देखे। और आपने ऐसी छुपाने वाली कौन सी हरकत कर दी? वो सनी लियोनी के फैंस ने शकीला के पोस्टर पे गोबर लगा दिया था ना, पूछ देता हूँ। उसी वक्त इंस्पेक्टर आ गया और उसे लगा कि मैं कोई अश्लील हरकत कर रहा हूँ। जीजू आपने उसमें ऐसा क्या देख लिया? शकीला, उसे देखते ही मेरे दिल के तार बजने लगते हैं, मेरा सोया हुआ रोम रोम जाग उठता है, बॉडी में करंट लगता है। सेंसर बोर्ड कहाँ से आ गया? हमारा मूछ मुंडा दोस्त गिरी 4 महीने से गायब है। पोस्टर 3 बार बकरी खा गई है, 4थी बार लगा रहा हूँ, 5वीं बार का बजट नहीं है। शहर में दिमाग का नया डॉक्टर, दिमाग से पैदल लोगों का फ्री इलाज, एड पेपर में। त्रितो, चाय पीने वाले अनमर नाम के आदमी को एक ट्रक ने उड़ा दिया है। न्यूज है बिहार समाचार। वो देख अजय, हीरो आ रहा है। अरे आज सुबह ही तो देखा था इसे कहीं। हाँ। अरे ये देख, ये रहा। मेरा पोस्टर, अब तो देखते रहे। ए, ये सब क्या है यार? ए, चिल्ला क्या रहा है तू? कौन है? हमारा दोस्त तो नहीं है? हेलो प्राइम डीजल, मेरे लापता दोस्त के एपिसोड का क्या हुआ? ओ टेलीकास्ट हो रहा है। मैं यही हूँ। ये भी बता दे कि वो पागल है, सबके बाल खींचता है। अरे मेरे भाई, मैं तेरे सामने तो हूँ ना। गिरी तू आ गया करके फालतू गिरी। अच्छा पहले तो हम रोज मिलते थे, 4 महीने से आया नहीं तो मैं इसका थोड़ा ही भूल गया। अब बस भी करो यार, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। अच्छा डिग्री लेके करेगा क्या? तेरे सारे सर्टिफिकेट पे गुप्ता चना भंडार वाला चने बेचता है। अरे मोची तो बनना है, डिग्री का क्या करेगा? मोची बनने के लिए भी तो डिग्री अच्छा, चाहिए। इसलिए आजकल बाइक छोड़ के बस में जाता है। बस में जज्बात बस में नहीं रहते, तेरा दिल तो बस में है ना? अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मैं बस में इसलिए जाता हूँ क्योंकि लोगों के चप्पल पे शोध कर सकूं। ओले ले, क्या हुआ बेटा, रोते नहीं? क्यों
देवर जी, भाभी को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? देवर भाभी का रिश्ता ही छेड़छाड़ का होता है। देवर ने छेड़ लिया तो भाभी नाराज हो गई। गलती मेरी है कि मैंने तुमसे कुछ कहा। गलती तो उसी दिन कर दी जब शादी की थी। अरे क्या यार, भाभी को बुरा लग गया। हाउसवाइफ गृहस्थी में पिसती रहती है, कोई तो हो जो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। तेरे दोस्त का दिल बहुत बड़ा है। तेरा दिल बड़ा है लेकिन ये यहाँ पे खड़ा है, उसका क्या करेंगे? छोड़ ना यार। देख, दोस्तों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, एंड में वही काम आते हैं। अरे यार, ये वन साइड लव है। पिछले 4 महीनों से उसका पीछा कर रहा हूँ लेकिन वो है कि मुझे जरा सा भी भाव नहीं देती है। 4 महीने से भाव नहीं दे रही है? ये खाली तेरी नहीं, हम सबकी इंसल्ट है। सही बोला। कल हम सब बस में चढ़ेंगे और इसकी सेटिंग करेंगे। एकदम करेक्ट ब्रो। ब्रो मतलब ब्रोकर होता है क्या? अच्छा ये बता, तेरी हीरोइन कहाँ रहती है? वसेपुर की है। क्या कर रही हो? मौसी ने देख लिया। लव यू लैया, रुक जाओ। देखिए मेहमानों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है, किसी को कोई चीज की कमी न। अरे नमस्ते। वो संभल के गिर जाओगी। अरे अरे संभल के, मेरा मोबाइल वापस दो। गिर जाओगे। अरे संभल के, क्या कर रहे हो? लव यू लैया। सेशन शुरू होने वाला है, कल आएगा क्या? जल्दी आ। ये लड़की कौन है? दिखने में तो एकदम स्मार्ट है, स्मार्टफोन की तरह। मेरी बीवी की बहन है, तेरी भी बहन है। चल 100 रुपए निकाल। क्यों भाई, बड़े जवाई से सवाल पूछा है, जवाब कैसे लगते हैं? ये ले 100 रुपए काफी हैं। बैलगाड़ी से आ रहा है क्या? बहुत तेज लगी है जजमान। बाथरूम कहाँ है? एक नंबर। वही कहाँ? दो नंबर। अरे दो नहीं, एक नंबर। बाथरूम कहाँ है? तीन नंबर। तीन क्या होता है, पेट में आग लगी पड़ी है। और तू क्या दस कहीं चारा कर रहा है? बाथरूम इधर है कि उधर है? 4 नंबर और 5 नंबर, टोटल 500 रुपए हो गए। अरे शरीफ दिखते हो, इधर उधर हाथ बात। मेरी दक्षिणा निकाल। कहाँ जा रहे हो? पहले मैं जाऊँगा। सारे ग्रह वक्री कर दिए, ये घचक्कर है कौन? अरे पंडित जी, जो आपको चूना लगा के गया, इस घर का जमाई है। अरे इसके चक्कर में पड़ोगे ना तो धोती गीली हो जाएगी। मैंने सुन लिया है, इन दोनों से 100 रुपए लिए हैं, आपसे पूरे 1000 लूंगा। पापा, चाचा जी आपको बुला रहे हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती, चलो जल्दी दो फोन। दो क्या कर रही हो तुम दोनों? छोड़ो। घंटी बजी क्या? इधर आओ। ये बताओ, वसंती मुझे देखकर मुंह क्यों बनाती है? ये तो खून में ही है, हमें कोई भी देखे एक जैसा रिएक्शन देता लेकिन है। लेकिन हमारी शादी का क्या? अरे मेरी कॉलर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, शर्ट जरूर फटेगी। वसंती से तेरी शादी कराने का वादा किया था ससुर जी ने मुझसे, और वो वादे से कभी नहीं मुकरते। अरे दामाद जी। ससुर जी आगे। नमस्ते बोल। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। तुम कब आए जगन? बस अभी आए। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ये 100 और ये 50, ये ले। ये क्या मैडम, आपने 200 कहा था और 150। तूने भी तो 1 घंटा बोल के 1.5 घंटे में पहुँचाया। तेरी अक्ल मेरे जितनी स्ट्रॉन्ग होती तो ऑटो नहीं चला रहा होता। आ रही हूँ। शुभ मुहूर्त खत्म होने वाला है, बच्चे को पालने में रखो। माँ आप ही पालने में रख दीजिए। आजा आजा। ये क्या भाभी, अपनी ननद के होते हुए आप बच्चे को पालने में डाल रही हैं? पंडित जी ने कहा मुहूर्त समाप्त हो रहा है। आपको इतनी जल्दी क्यों है, कहीं और जाके दक्षिणा बटोरनी है? अरे आप लोग मुझे क्यों घसीट रहे हैं? कोई बात नहीं, तू बच्चे को रख दे। ले 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 ले, बुआ जैसी है, बड़ी होकर बुआ जैसी बनेगी। सुखी रहो। सुनिए भाभी, इस बार तो आपने अपने मन की कर ली, लेकिन अगर मेरी छोटी भतीजी की शादी में ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा।